हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस. आज के क्विक रिवीजन सीरीज के अंदर हम अगेन मॉडर्न हिस्ट्री का स्टैटिक पार्ट उठाएंगे. हमने पिछले वीक हमने देखा था एंड वी वर लुकिंग एट द वेरियस एजुकेशन एक्ट्स एंड वेरियस पॉलिसीज एंड स्कीम्स जो कि ब्रिटिश इंडिया में आई थी, राइट. एंड बेसिकली हमने पिछले चैप्टर्स में हमने स्ट्रेस किया था कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, बी इट इन द फॉर्म ऑफ EIC पहले या फिर बी इट इन द फॉर्म ऑफ क्राउन के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने कौन कौन से मेजर एक्ट्स निकाले थे एजुकेशन पॉलिसीज को सपोर्ट करने के लिए, राइट. तो इसके अंदर हमने अपना 1813 एक्ट्स देखे थे, वेरियस कमीशन देखे थे इन द फॉर्म ऑफ हंटर कमीशन, रैले कमीशन, राइट, सैडलर कमीशन, सार्जेंट प्लान, हमने ये सब देखे थे. तो साथ ही में हमने जो मिशनरीज का भी जो काम था, योगदान था विद रिगार्ड टू एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया, उस पर भी हमने फोकस किया था, राइट. एट द बिगिनिंग ऑफ दैट वीडियो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज गो बैक, आई विल अटैच योर लिंक ऑफ द सेम. इन दोनों वीडियोस को इकट्ठे देखिए प्लीज, राइट, सो दैट यू गेट अ मोर होलसम इमेज ऑफ के एजुकेशन के रिगार्डिंग क्या डेवलपमेंट्स हो रही थी प्रायर टू इंडिपेंडेंस, राइट. तब हमने जब हम एजुकेशन के प्रोग्रेस की बात कर रहे थे, हमने दो ब्रॉड डिविजन्स कर दिए थे. एक हमने किया था ऑफिशियल्स, जिसके अंदर हमने मिशनरीज का काम भी इंक्लूड कर दिया था, राइट. एंड हमने बोला था सेकेंडली वी विल ऑल्सो बी लुकिंग एट नॉन ऑफिशियल्स, राइट. नॉन ऑफिशियल्स जो कि ये जो प्राइमरीली EIC एंड ब्रिटिश क्राउन के बाहर थे. अब इसके अंदर दो अगेन फैक्टर्स आ जाते हैं. इसके अंदर एक तो आपके ब्रिटिश लोग हैं जो कि इवन तो ऑफिशियल होते हुए भी अपने नॉन ऑफिशियल या पर्सनल कैपेसिटी में कुछ ना कुछ योगदान दे रहे थे एजुकेशन को. सेकेंड है आपके इंडियंस, राइट. विद इन इंडियंस ऑल्सो एक कैटेगरी थी जिन्होंने जाके फिर मिनिस्ट्रीज वगैरह फॉर्म की, राइट, जिन्होंने इलेक्शंस लड़के आपके जैसे फॉर एग्जांपल 1937 के मिनिस्ट्रीज में पार्ट कर बन गए थे. बट प्राइमरीली कांग्रेस ने एज अ पॉलिटिकल पार्टी तब ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि आपकी पॉलिटिकल सोसाइटी एंड सिविल सोसाइटी का भी एक एक्टिव मेंबर थी, राइट. तो उस कैपेसिटी में क्या क्या मेन डेवलपमेंट्स हुए, राइट. सो लेट्स वेरी क्विकली मूव ऑन, राइट. सो अब हम देखते हैं कि वन ऑफ द फर्स्ट पीपल स्पेशली इन द ब्रिटिश नॉन ऑफिशियल कैटेगरी जिन्होंने बहुत काम किया था वॉज डेविड हेयर, राइट. डेविड हेयर एक वॉचमेकर थे एंड ज्वेलर थे एंड कैलकटा में ये बेस थे, राइट. ये बेसिकली जो थे इनका ये मानना था, ये एंग्लिसिस जो हमने बात की थी ना, एंग्लिसिस या ऑचिडेंटलिस जो कि सपोर्ट करते थे इंग्लिश एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन एक्सेट्रा को, ये उनमें से एक थे, राइट. तो इनका एक ये फर्म बिलीव था कि इंग्लिश लिटरेचर जो है, राइट, या फिर वेस्टर्न एजुकेशन जो है, ये बहुत ज़रूरी है अगर हिंदू सोसाइटी की रीजनरेशन आपने करनी है. हिंदू सोसाइटी के अंदर जो रॉट आ गया है, जो एक डेकेडेंस आ गई है, जो एक फॉर्म ऑफ बैकवर्डनेस आ गई है, उसको हटाने के लिए वेस्टर्न साइंसेज, वेस्टर्न लिटरेचर बहुत ज़रूरी है. बट एट द सेम टाइम उन्होंने बोला कि यहाँ पे जब हम वेस्टर्न एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वो एक्सट्रीमली सेक्युलर थे. तो आप चाहे हिंदू हो अपने बिलीफ में, लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन आपको प्राप्त होने का आपको पूरा पूरा अधिकार है, राइट. सो दैट इज वाई फॉर हिम जो मिशनरीज काम कर रहे थे जहाँ पे दे वांट ओनली फोकसिंग ऑन इंग्लिश एजुकेशन और वेस्टर्न साइंसेज, बट ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन पासिंग आउट आपका रिलीजियस इंस्ट्रक्शन क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन करने के लिए, ही वॉजंट सपोर्टिव ऑफ दैट, ठीक है. तो एकदम ही सेक्युलर एजुकेशन का आइडियल ये क्रिएट करना चाहते थे, राइट. तो इन्होंने थ्रू आउट लाइफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए बहुत काम किया. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो इन्होंने अंडरटेक किया अलॉन्ग विद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडिंग लाइट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, जिनको फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया रिगार्ड किया जा सकता है, किया जाता है, राजा राम मोहन रॉय, राइट. इनके साथ मिलकर इन्होंने हिंदू विद्यालय या हिंदू कॉलेज जिसको हम बोलते हैं वो बनाया, और ये पहला कॉलेज लाइक इंस्टीट्यूशन था जो कि वेस्टर्न एजुकेशन को इम्पार्ट करता था प्योरली ऑन सेक्युलर बेसिस, राइट. तो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी से कोई लिंकेज नहीं था, सिर्फ एजुकेशन स्पेशली वेस्टर्न साइंसेज, वेस्टर्न एजुकेशन पे फोकस था, राइट. अगेन राजा राम मोहन रॉय इवन दो वो इंडियन थे, ही वॉज एन एंग्लिसिस्ट, एंड इन्होंने डेविड हेयर को बहुत सपोर्ट किया इन द सेटिंग अप ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन. साथ ही में सर एडवर्ड हाइड ईस्ट हैं जो कि तब चीफ जस्टिस थे ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन कैलकटा,
राइट, इनका भी बहुत योगदान रहा था इन द सेटिंग अप ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। राइट, आपका जो हिंदू महाविद्यालय या हिंदू कॉलेज था January 20th, 1817 को खुला, इसको गवर्नमेंट की तरफ से काफी ग्रांट्स इन एड मिली 1824 ऑनवर्ड्स। ठीक है, हाउएवर आफ्टर विटनेसिंग सर्टेन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज जो कॉलेज था, ये फाइनली कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको मैनेजमेंट के लिए हैंडल दे दिया गया एंड फाइनली ये प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया जो ये आज भी एग्जिस्ट करता है, द प्रेसिडेंसी कॉलेज। राइट, 1854 में इसका जो मॉडर्न डे नाम था प्रेसिडेंसी कॉलेज, ये उसके तहत ये बन गया। राइट, 1817 के अंदर एक वेरी इंपॉर्टेंट कैलकटा स्कूल बुक सोसाइटी वॉज फाउंडेड। ठीक है, एंड इनका मेन काम क्या था, ये प्रिंट करते थे स्कूल की टेक्स्ट बुक्स एंड इनको डिस्ट्रीब्यूट करते थे एट वेरी नॉमिनल प्राइसेस। 1819 में चलते चलते इन्होंने बहुत सारे इंग्लिश एंड वर्नैक्युलर, मतलब दोनों ही जो इंग्लिश मीडियम स्कूल थे एज वेल एज आपके लोकल लैंग्वेजेस में स्कूल हर जगह बंगाल में आसपास खोल दिए। राइट, अगेन अब जब हम नेक्स्ट एक ब्रिटिश ऑफिशियल की बात करते हैं, ठीक है, जिन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बहुत सारा योगदान दिया इंडियन एजुकेशन में, ठीक है, ये थे जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बैथून। बैथून आपने नाम बहुत सुना होगा। राइट, ये EIC के ऑफिशियल थे जिन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया एज फार एज स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया वॉज कंसर्न। राइट, इनका मेन क्या फोकस था, अगेन ये भी सेक्युलर थे तो ये मिशनरीज का जो मिशन था ऑफ कन्वर्टिंग उसके ज्यादा प्रो नहीं थे, बट इनका एक जो फोकस था अनलाइक डेविड है ये वर्नैक्युलर इंग्लिश पे बात करते थे। ठीक है, एम्फेसिस होना चाहिए इंग्लिश टीचिंग पे बट साथ साथ में आपने वर्नैक्युलर एडुकेशन को भी याद रखना है। ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इन्होंने एडुकेशन फॉर विमेन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाला। राइट, इनफैक्ट इन्होंने एक सेक्युलर स्कूल खोला कैलकटा फीमेल स्कूल जो कि स्पेशली इंडियन गर्ल्स के लिए था। आफ्टरवर्ड्स इनकी डेथ के बाद, ठीक है, एज अ ट्रिब्यूट टू हिम 1851 में इसका नाम बैथून स्कूल डाल दिया गया। राइट, इस बैथून स्कूल में अनदर ग्रेट सोशल रिफॉर्मर पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, पंडित मदन मोहन तर्कलंदर एंड डेरोजियन, ठीक है, हमने किए हैं आपके जो हेनरी डेरोजी थे, ठीक है, जिन्होंने जिनकी जो सोसाइटी थी जब हम सोशल रिफॉर्मर्स देखेंगे, राइट, उसके अंदर इनका नाम बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है एज अ रैशनलिस्ट समवन जिन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया था रैशनल एजुकेशन को। एथियस्ट थे, इनके जितने भी फॉलोअर्स थे उनका नाम डेरोजियंस पड़ गया था। राइट, एंड तो यही डेरोजियंस फॉर एग्जांपल रामगोपाल घोष एंड दक्षिणा रंजन मुखर्जी, इन्होंने भी बहुत ज्यादा हेल्प की इस बैथून स्कूल में। ठीक है, ये स्कूल 1849 में फंक्शन करना शुरू हुआ एंड सून ही बैथून कॉलेज के अंदर कन्वर्ट हो गया विच प्रोवाइडेड हायर एजुकेशन टू द इंडियन वुमेन जो कि बहुत लैकिंग होती थी उस जमाने में। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू इंडियंस, आर फर्स्ट मॉडर्न मैन राजा राम मोहन रॉय। राइट, जो खुद ही एक पढ़ाई लिखाई के कनोजर थे, ठीक है, एक पॉलीमथ थे, ढेर सारी लैंग्वेजेस जानते थे। राइट, सो ही वॉज वन ऑफ द पायनियरिंग लीडर्स इन द आइडिया ऑफ एजुकेशन एंड ये मॉडर्न एंड वेस्टर्न एजुकेशन को बहुत सपोर्ट करते थे। राइट, इन्होंने पहली बार एक मॉडर्न टाइप का स्कूल खोला जिसका नाम था एंग्लो हिंदू स्कूल 1822 में। एट द सेम टाइम इन्होंने बोला कि जहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन पे फोकस करना है, इसको सीखना बहुत जरूरी है, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसी लर्निंग्स है जो कि ट्रेडिशंस में हमारी इंडिजिनियस नॉलेज सर्कल में बहुत ज्यादा है, हमने उनको लूज आउट नहीं कर देना। ठीक है, सो इसीलिए ओरिएंटल लर्निंग जो इंपॉर्टेंट है उसको भी सपोर्ट करने के लिए इन्होंने वेद विद्यालय या वेदांतिक कॉलेज एस्टैब्लिश किया 1826 में मानिक तला में। ठीक है, ब्रह्म समाज जो कि इन्होंने सोसाइटी फाउंड की थी 1828 में, इसने बहुत सारा योगदान दिया था स्पेशली इन द फील्ड ऑफ विमेन्स एजुकेशन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ बंगाल। ठीक है, अब हम बात करते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी की। ठीक है, अब तक हम बंगाल प्रेसिडेंसी पे देख रहे थे, अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर एक काफी अच्छी मूवमेंट जो इंग्लिश एजुकेशन के रिगार्डिंग चली थी वो चली थी मॉन्स स्टुअर्ट एल्फिंस्टन द्वारा। ठीक है, एल्फिंस्टन कॉलेज, एल्फिंस्टन स्ट्रीट, एल्फिंस्टन रोड अभी भी बॉम्बे में एग्जिस्ट करती है। राइट, इनके अराइवल से पहले, ठीक है, बिफोर ही केम ऑन द सीन, 1819 में एक बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी एस्टैब्लिश हो गई थी। राइट, 1819 में आए थे एल्फिंस्टन, ये बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी कब हुई थी, 1815 में।
ठीक है, तो जो चर्च ऑफ इंग्लैंड के मेंबर्स थे उन्होंने 1815 में ये सोसाइटी एस्टैब्लिश की थी। 1820 आते आते तक इन्होंने 4 स्कूल बना दिए थे स्पेशली फॉर इंडियन चिल्ड्रन, राइट। एंड इसी टाइम पे इन्होंने एक स्पेशल कमिटी भी बनाई, ठीक है, जिसमें बेसिकली जिसके जो चेयरमैन थे वो आपके मॉन्स्टुअर्ट एल्फिंस्टन थे, ठीक है। अब इस कमिटी के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ये बेसिकली देख रहे थे कि अभी जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स है, जो हमने 4 स्कूल्स देखे, वो कैसे इंडियन बच्चों की पढ़ाई के लिए और इम्प्रूव किए जा सकते हैं, और स्कूल्स खोलने चाहिए, साथ ही साथ में हमें टेक्स्ट बुक्स और पब्लिश करनी चाहिए ये जो इंडियन बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके लिए। 1822 तक आते आते इस बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी की एक्टिविटीज और ज्यादा बढ़ गई थी, एंड इन्होंने एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक बॉम्बे नेटिव स्कूल बुक जो है एक सोसाइटी खोल दी, ठीक है, एंड इसका नाम क्या था, बॉम्बे नेटिव स्कूल बुक एंड सोसाइटी, स्कूल सोसाइटी, ठीक है, इट वाज कॉल्ड बॉम्बे नेटिव एजुकेशन सोसाइटी 1827 से, एंड इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, टू लुक आफ्टर एजुकेशन ऑफ द इंडियन चिल्ड्रन। अब ये जो सोसाइटी थी इसने गवर्नमेंट को अप्रोच किया क्योंकि उन्होंने बोला कि हमको फाइनेंशियल एड की जरूरत है, साथ ही साथ में जैसे कि हमने जब हम पढ़ रहे थे, राइट, हमने बोला था कि बहुत डिबेट्स थी 1813 के चार्टर में, इन लोगों ने बोल दिया था कि 1,00,000 रुपए स्पेंड किए जाएंगे स्प्रेड ऑफ एजुकेशन पे, बट हमने देखा था 1823 तक ये एक्चुअली इम्पार्ट नहीं किए जा रहे थे, राइट। 1823 onwards हमने बोला कि इम्पार्टिंग शुरू हुई, एंड यहीं पे बात आती है कि ऑन द बेसिस ऑफ एल्फिंस्टन मिनट्स फाइनली 1823 onwards, ठीक है, दे आर कॉल्ड एल्फिंस्टन मिनट्स ऑन एजुकेशन, गवर्नमेंट ने इनको एक मंथली ग्रांट देनी शुरू कर दी ऑफ 600 रुपीज, साथ ही साथ में उन्होंने वेरियस अदर स्कूल्स में भी ग्रांट देनी शुरू कर दी जब फाइनली ये जो चार्टर का एक रिक्वायरमेंट थी दैट केम इनटू बी, राइट। इसके बाद अब जो प्रोमिनेंट एक चीज आती है वो फाइनली आपके 20th century में आती है, राइट। 20th century में आपकी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी लंदन में, जहां पे गांधी गए थे, राइट, आपके थर्ड कॉन्फ्रेंस में जब वो गए, उन्होंने बेसिकली एक बात बोली कि जो प्राइमरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन चल रहा है इंडिया में वो एकदम अपना काम नहीं कर पा रहा है, एंड अभी तक लिटरेसी रेट जो है एक्सट्रीमली लो है इंडियन लोगों के बीच में, राइट। उन्होंने बोला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है एकदम ही पिटीफुल है, एंड उन्हें एक उनका जो कोट है, ही सेज, आई एम कन्विंस्ड दैट द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज नॉट ओनली वेस्टफुल बट पॉजिटिवली हार्मफुल। तो उनका मानना था कि जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो ना ही सिर्फ एकदम ही वेस्ट कर रहा है द स्किल्स ऑफ द पीपल, राइट, एंड जिस तरह से वो उनको पढ़ा रहा है, जिस तरह के उनको वैल्यूज इंपार्ट कर रहा है, बट इनफैक्ट उनको हार्म कर रहा है, उनको गलत चीजें सिखा रहा है। इस टाइम पे एक आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन गांधी जी के माइंड में फॉर्मुलेट हो रहा था, राइट, एंड इसमें डिस्कस करने से पहले हम इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे आगे चल के आपकी वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन, इसके जो मेन फीचर्स है क्या, इसके मेन प्रोमिनेंट बेनिफिट्स हो, सो ऑन सो फोर्थ, राइट। अब आपकी जो वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन है उसके लिए एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना जरूरी है। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 में, राइट, जो कि बेसिकली इन्फोर्स हुआ 1937 में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या हुई थी, यहाँ पे डायाकी इंट्रोड्यूस हो गई थी, हाँ, एंड इस डायाकी के कारण क्या हो गया था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ग्रांट हो गई थी इन सर्टन सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो जो भी आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी वो अब मेन डिसीजंस ले सकती थी विद रिगार्ड टू सर्टेन जो आपके सब्जेक्ट्स थे जो कि आपके प्रोविंसेस को फुल उनके ऊपर फ्रीडम दी गई थी विद रिगार्डिंग टू कंट्रोलिंग देम, ठीक है। तो यह 1937 में 7 स्टेट्स में कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज बढ़ गई, एंड कांग्रेस का एक फोकस बहुत था ऑन फ्री कंपल्सरी एंड यूनिवर्सल एजुकेशन। हाउएवर इस टाइम पे क्या हुआ कि अब कांग्रेस के पास जो पावर थी, ठीक है, इनको इंप्लीमेंट करने के लिए अब उनको एक प्लान भी, एक मॉडल भी बनाना था, राइट। अब गांधी जी जो थे obviously he was one of the leading figures and उन्होंने पहले ही अपने views express कर दिए थे regarding the wasteful condition in which education जो थी चलती आ रही थी, right? अब उनका कहना था कि जो primary education है उस पर focus करना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ में आपने सिर्फ western sciences की बात नहीं करनी बल्कि Indian tradition को भी साथ में लेके चलना है, and दूसरा ये जो English medium है उसको कम करते हुए आपने अपनी vernacular language especially mother tongue को use करना है, right? But
अगर आपने ये ऐसी एडुकेशन, मास बेस्ड एडुकेशन, प्राइमरी एडुकेशन फैलानी है, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, राइट? एंड पैसा किससे होगा? थ्रू टैक्सेशन, राइट? बट अब क्या हो गया, वन ऑफ द चीफ एवेन्यूज ऑफ रेवेन्यू जो कि आज तक वही रहता है इज एल्कोहल, ठीक है? अल्कोहल के ऊपर जो टैक्स लगता है वो बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। बट महात्मा गांधी किसके बहुत बड़े एक सपोर्टर थे? प्रोहिबिशन के, ठीक है? कि अल्कोहल, ठीक है, एंड अल्कोहलिक सब्सटेंसेस हमको एकदम बैन कर देने चाहिए। तो अब जब आप अल्कोहल में प्रोहिबिशन ला रहे हो तो मतलब गवर्नमेंट को बहुत लॉस ऑफ रेवेन्यू हो रहा है, बट साथ में आप कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन भी लाना चाहते हो, ठीक है? तो अब ये जो डिलेमा था, जो हो रहा था, इसको सॉल्व करने के लिए गांधी जी ने एक प्रपोजल रखा, राइट? एंड ये प्रपोजल था, उन्होंने बोला कि मास एजुकेशन जो हम प्राइमरी एजुकेशन स्प्रेड करना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि उसके लिए बहुत सारे फंड्स चाहिए हो या उसके लिए हमें गवर्नमेंट की एड पे बहुत रिलाई करना पड़े। उन्होंने बोला फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन आराम से जो है सेल्फ फाइनेंस भी हो सकती है। कैसे? अगर हर बच्चा जो कि स्कूल आता है वो सेल्फ सपोर्टिंग हो सके, और सेल्फ सपोर्टिंग कैसे होगा कि हम उसको सिर्फ जो आपकी बुकिश नॉलेज है, जो आपकी एकेडमिक एडुकेशन है, ठीक है, वो तो देंगे ही, ठीक है? तो एकेडमिक एडुकेशन बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल कल्चर प्लस वेस्टर्न नॉलेज इन योर मदर टंग, बट प्लस वोकेशनल ट्रेनिंग इन द फॉर्म ऑफ कि जो आपके ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं, चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, किसी और तरह की चीज हो, ठीक है, वो दोनों ही साथ साथ में सिखाए जाएंगे, ठीक है? तो डुअल ऑब्जेक्टिव होंगे, दोनों एकेडमिक भी एंड ये जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है उनका भी जो ट्रेडिशन है आगे आगे चलता रहे। एंड इन चीजों को बेच के बच्चों की इन ये जो बनाई गई चीजें हैं, एक तो उनकी स्किल्स बढ़ेंगी, साथ ही साथ में इन चीजों को बेचने से जो पैसा इकट्ठा होगा उससे एडुकेशन सेल्फ फाइनेंस भी हो सकती है, ठीक है? इसके बारे में, इस व्यू ऑफ एडुकेशन के बारे में उन्होंने अपनी जो मैगजीन थी हरिजन उसके 1937 में लिखा, जिसके थ्रू फाइनली वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन जो डेवलप हो गई, ठीक है? तो अब उन्होंने ट्राई किया कि इसके ऊपर हमें और चर्चा करनी चाहिए, ठीक है? और ये जो बेसिक एजुकेशन का सिस्टम था, फाइनली आपकी वर्धा कॉन्फ्रेंस हुई 1937 में, जिसके अंदर ये आगे रखा गया, ठीक है? अब इस टाइम पे एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई, ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई वर्धा में, राइट, 1937 22nd एंड 23rd अक्टूबर को, जिसको हम वर्धा कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। यहाँ पे मेनी एजुकेशनर्स, कांग्रेस लीडर्स, वर्कर्स, एजुकेशन मिनिस्टर जो उस साथ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के स्टेट्स के थे, वो लोग सभी आए एंड गांधी जी ने खुद प्रिसाइड किया था। दिस इज द ओनली सेशन जिसमें गांधी जी ने प्रिसाइड किया था कांग्रेस के सेशन में, ठीक है? बहुत सीरियस डिस्कशंस हुई और चार मेन रेजोल्यूशंस निकल के आए। पहली चीज जो रेजोल्यूशन में आई कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन पूरे नेशन के अंदर फैलाई जानी चाहिए। सेकेंड जो मेन रेजोल्यूशन हुआ कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो हर रीजन की मदर टंग हो। थर्ड था कि जो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है उसमें कुछ मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क थ्रू सम स्किल्स, कोई क्राफ्ट, कुछ भी जो भी उस लोकल रीजन का जो लोकल क्राफ्ट है वो ऑल्सो बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। साथ ही में कॉन्फ्रेंस का एक जो लास्ट रोल था उसमें था कि इस तरह का एजुकेशन सिस्टम बनाते बनाते पहले जो टीचर्स है फ्री में पढ़ाएंगे, बट इवेंचुअली विद द सेलिंग ऑफ वेरियस क्राफ्ट एक्सेट्रा सो ऑन सो फोर्थ, फाइनली हम टीचर्स को भी प्ले करने लायक हो जाएंगे एंड टीचर्स को भी हम पे कर सकेंगे, राइट? फाइनली इस कॉन्फ्रेंस में जो आपने रेजोल्यूशंस बनाए उनके ऊपर और कॉन्क्रीट डिटेल्स बनाने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन के अंदर, जो कि हमारे प्रेसिडेंट भी थे, राइट, अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट, उनके अंडर एक कमिटी सेटअप की ताकि वो वेरियस एजुकेशन प्लान एंड सिलेबस ऑन दिस बेसिस बना सके, ठीक है? इस कमिटी को हेड किया डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, बट साथ ही साथ में इसके 9 और मेंबर थे। कौन थे ये मेंबर्स? ये थे प्रोफेसर केजी साइकदेन, ठीक है? बाकी मेंबर्स थे आर्य नायकम, विनोबा भावे, काका कालेलकर, जेसी कुमारप्पा, किशोरी लाल एंड प्रोफेसर केटी शाह, ठीक है? ये कमिटी बेसिकली डिटेल्ड एजुकेशन प्लान और सिलेबस बनाने के लिए प्रिपेयर हुई एंड इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है दिसंबर 1937 में एक एंड दूसरी अप्रैल 1938 तक सबमिट कर दी, राइट? एंड ये जो रिपोर्ट थी ये बेसिक डॉक्यूमेंट बना फॉर द स्कीम, फॉर द वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। ये महात्मा गांधी जी ने अप्रूव किया एंड फाइनली कांग्रेस का जो हरिपुरा सेशन था, ठीक है, जिसको किसने चेयर किया था? आपके बोस ने, सुभाष चंद्र बोस, इसके वेरी इंपॉर्टेंट
इसके प्रेसिडेंट थे हरिपुरा सेशन में 1938 में ये दिस स्कीम वाज लेड अप। ठीक है, इसमें उन्होंने बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन पेश किए, राइट, जिसमें इन्होंने बात की कि क्या एम्स होंगे, टीचर्स होंगे, उनकी ट्रेनिंग कैसे की जाएगी, स्कूल्स कैसे ऑर्गेनाइज होंगे, कैसे एडमिनिस्टर किए जाएंगे, इंस्पेक्शन कैसे होगी, जो क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन है उसमें कौन कौन से क्राफ्ट इंक्लूड होंगे, जैसे स्पिनिंग, वीविंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो बहुत ही एक इलैबोरेट मेजर्स, इलैबोरेट रिपोर्ट थी, राइट। इन कोर्स ऑफ टाइम और कॉन्फ्रेंसेज हुई, ठीक है, एंड ज्यादा और कमिटीज भी बनी, एज अ रिजल्ट कई न्यू फीचर्स भी एड हुए एजुकेशन में, एंड फाइनली जब ये स्कीम ने प्रॉपर शेप लिया, एक कॉन्फ्रेंस हुई आपकी सेवाराम में 1945 में, जिसमें बेसिक एजुकेशन को क्या बोला, एजुकेशन फॉर लाइफ, राइट। सो ये एजुकेशन एक लिमिटेड, सिर्फ कुछ मींस तक लिमिटेड नहीं है, बट आपको एक होलिस्टिक इंडिविजुअल बनाती है, ये आपकी लाइफ लॉन्ग आपका साथ देगी। ठीक है, सो ये एक बहुत ही रेडिकल स्टेप था सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ जो इंडियन सोसाइटी था उसको कन्वर्ट करने में, एंड इस टाइम पे ये बेसिक एजुकेशन का क्या नाम पड़ गया, द आइडिया ऑफ नई तालीम, राइट। अब एक कॉन्फ्रेंस हुई, राइट, एंड जो ये कॉन्फ्रेंस थी इसके अंदर एजुकेशन मिनिस्टर्स एंड वर्कर्स आए, एंड किसने बुलाई थी, बीजी खेर ने 1946 में। ठीक है, एंड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस आए, राइट। इन रेजोल्यूशंस में बेसिकली बताया गया कि जो बेसिक एजुकेशन है इन वेरियस प्रोविंसेस वो किस तरह कैरी आउट की जाएगी। ठीक है, एंड फाइनली आफ्टर मच डिबेट एंड डिस्कशन एक बेसिक स्कीम आई विद सर्टन प्रिंसिपल्स, राइट। यहाँ पे बोला गया कि फ्री यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करी जानी चाहिए फॉर ऑल बॉयज एंड गर्ल्स बिटवीन द एज ऑफ 7 and 14। आपको याद है हमने किया था सार्जेंट प्लान, है ना, तो जो सार्जेंट प्लान था उसने भी बात की थी 1944 में जब वो आया था, याद रखिएगा। जो सार्जेंट प्लान है ना उसके जो चेयरमैन थे जोगिंदर सिंह नाम के एक इंडियन थे, ठीक है, जोगिंदर सिंह, बट इसको हम जोगिंदर सिंह कमिटी नहीं बोलते, जोगिंदर प्लान नहीं बोलते, बल्कि जॉन सार्जेंट प्लान बोलते हैं। उसमें पहली बार हमने देखा था कि उन्होंने बोला था 40 इयर्स में हम यूनिवर्सल एजुकेशन अचीव करना चाहते हैं, डल लिटरेसी अचीव करना चाहते हैं, एंड उन्होंने पहली बार बात की थी कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 6 to 11 years, राइट। यहाँ पे किस चीज की बात है, 7 to 14 years ऑफ एज तक सारे लड़के और लड़कियों को एजुकेशन देनी चाहिए, साथ ही में ये एजुकेशन है मदर टंग में प्रोवाइड की जानी चाहिए, राइट, एंड प्लस कीपिंग इन माइंड द बेसिक एजुकेशन, नई तालीम की बात, एक बेसिक क्राफ्ट चूज होना चाहिए जिसके अंदर जो बच्चा जिसको सूटेड होगा, राइट, बोथ जो बच्चे का इंटरेस्ट है प्लस जो लोकैलिटी है उसकी नीड्स को मद्देनजर रखते हुए ये वेरियस क्राफ्ट सिखाए जाएंगे, राइट। साथ ही में जो सिलेक्टेड क्राफ्ट है वो सिखाया भी जाएगा और प्रैक्टिस भी किया जाएगा, मतलब सिर्फ ही एक टॉप डाउन ट्रेनिंग नहीं होगी बल्कि आप उसको प्रैक्टिस भी करोगे, प्रैक्टिकली अप्लाई करके भी दिखाओगे, एंड जो ये आर्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे उनको बेचा जाएगा टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ द स्कूल, राइट। ये जो क्राफ्ट है ये सिर्फ मैकेनिकली नहीं सिखाया जाएगा कि ऐसे करो ऐसे करो, बट किसकी क्या इम्प्लीकेशंस है, राइट, ऑन द सोसाइटी, किस तरह से सोसाइटीज को, उसकी कम्युनिटी को बेनिफिट करेगा, साइंटिफिक इम्प्लीकेशन क्या है, अगर आप कुछ बना रहे हो, राइट, तो उसके अंदर क्या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आजमाए जा रहे हैं, ये सब पढ़ाया जाएगा उस क्राफ्ट में, ठीक है। एंड ये जो क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन है उसको इंटेग्रली रिलेट किया जाएगा जो बच्चा है जिस फिजिकल एंड सोशल एनवायरमेंट में वो रहता है उसके साथ, राइट। सो ये मेन पॉइंट्स थे जिनके ऊपर आपके नॉन ऑफिशियल्स ने एंड इंडियंस ने फोकस करने की कोशिश की, राइट, एंड दिस इज वेयर योर वेरियस एजुकेशन पॉलिसीज एंड, राइट। थैंक यू।